इसलिए कहते हैं कि दुबई में आपका सामान कहीं नहीं रह सकता। ये बात सच हो गई है। ये देखो सोनिया इतने लंबे हील्स पहन लेती है, बूट्स की हाइट कितनी होगी देखना। व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप लोगों का। तुम्हारा भाई पहुंच गया है दुबई में और अभी जा रहा हूं भाइयों वर्कआउट करने। पहले व्यू देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, सामने समुंदर, झूला और बीच वहां पर। ये अपने होटल का बीच है प्राइवेट, जो हम यहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। एक बात तो है भाइयों, खुद से पूछना, जो भी इंसान जिम जाता है ना उसके मन में ये आता है यार मैं बढ़िया बॉडी बना के एब्स निकाल के शर्टलेस वॉकिंग करूं बीच पर। आता होगा आपके मन में कि बेशक वो पब्लिक एरिया हो चाहे वो बीच हो, बस शर्टलेस वॉकिंग करने का मन होता है। क्योंकि यार सोचो ना कि बॉडी बनाना कोई मजाक नहीं है। मतलब यहाँ पर आप 100 लोगों को उठा लो, कितनों की बॉडी मिलेगी बढ़िया फिट बॉडी? मुश्किल से एक इंसान की, दो इंसान की। दैट्स वाई ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट फीलिंग है और इस फीलिंग को वही समझ सकते हैं जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग बॉडी बनाते हैं। क्योंकि 18 इंच डोला मेहनता मांगता। चलो दिखा, क्योंकि ये देख लो भाई थोड़ा सा रूम व्यू। ये आज ही हमने चेक इन किया है और ये बन के रेडी हुआ था, तो हमने बोला यार कोई बढ़िया सा रूम दे दो, तो उन्होंने अपग्रेड करके हमें दे दिया बढ़िया सी व्यू रूम। और इसके बाद भी हम कुछ दिन तक इसके बाद यहाँ स्टे करके कहीं और जाने वाले हैं, वो आपको दिखा देंगे। अभी यहीं है दुबई में, बढ़िया वर्कआउट करेंगे। चलो चलो करते हैं भाई वर्कआउट। अरे यार यही दिक्कत आती है तगड़ा होने से। हेलो मैम, रूम नंबर इज़ भाई ये जिम है देख लो। और जब आप जिम के फ्रंट में जाओगे तो ये है पूल, यहाँ का 2 पूल है यहाँ पर और वहाँ है बीच सामने। ओ यार, ओ ये होता है भाई वो जब आप हैवी प्री वर्कआउट पी लेते हो। Carried you all the way, only to hear you say, here is no home for you, I don't know what to do, guarded you all the way, only to let you say, here is no place for you, but I'll carry on, I carried you all the way, only to hear you say, here is no home for you, I don't know what to do, guarded you all the way, only to let you say, here is no place for you, but I'll carry on, without you. भाइयों वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अभी रूम में आया हूँ, जस्ट रेडी होके अभी निकलना है। पीछे एक मॉल है 1.5 किलोमीटर दूर, वहां पर जाना है। बाकी भाइयों यही बोलना चाहूंगा, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। दिल से बहुत सारा प्यार भाइयों आपको। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो अपने भाई के चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, 1 सेकंड लगेगी, फ्री है भाइयों, कर दो सब्सक्राइब। और अगर आप वीडियो देखते हो और तभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाइयों बहुत गलत बात है, तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अपने भाई को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रोटीन ले रहा हूं मैं डॉक्टर चॉइस का 3 वे फ्यूजन। ये प्रोटीन वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है भाइयों जो भी अभी तक मैंने यूज किया। इसके स्कूप में है 25 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA, 4 ग्राम ग्लूटामाइन, 0 ग्राम एडेड शुगर। इसके बहुत सारे फ्लेवर आते हैं बट जो मेरा फेवरेट है वो है ये मैंगो। इसको आप आफ्टर वर्कआउट पीना, अगर आप ओट्स में मिला के पी रहे हो तो चॉकलेट वाला पीना, चोको फज। और इनका एक नया फ्लेवर लॉन्च हुआ था वो मैं यहां पर लाया नहीं हूं, जो था केसर टाइप, बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई, फील भी नहीं होगा कि आप प्रोटीन पी रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन, 3 प्रोटीन को मिला के इसको बनाया गया है, जब इसका नाम रखा है 3 वे फ्यूजन। हाइड्रोलाइज प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन और कंसंट्रेट प्रोटीन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। डॉक्टर चॉइस का 3 वे फ्यूजन भाइयो। एक अगर आपको प्राइस के अंदर बढ़िया प्रोटीन चाहिए तो ये पी लेना। ऊपर से भाइयो मेरे को लगता नहीं मैं स्कूप लाया हूं यहाँ पर। है मिल गया। अगर आपको ट्रैवलिंग के साथ साथ अपनी बॉडी का ध्यान रखना है तो आपको अपना प्रोटीन, अपना प्री वर्कआउट एटलीस्ट लेके चलो। इस प्रोटीन की मिक्सिबिलिटी बढ़िया, ऐसे करते ही घुल जाता है, आपको कोई भी गांठ वाट नहीं मिलेगी ऐसे मुंह में चिपकने वाली, और डाइजेशन भी बहुत अच्छा है इसका। तो अब हम रेडी होके आ गए हैं और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने घर वालों के लिए। हमने तो अपनी कर ली थी, मेरी हो गई थी ठीक ठाक शॉपिंग, सोनिया की भी हो ही गई थी। हो गई है ठीक है, इससे ज्यादा तो हम दिल्ली में करेंगे। तो यहाँ पर एक मॉल है, उसमें जा रहे हैं शॉपिंग करने, देखते हैं क्या मिलता है। आ जाओ। कुछ भी कहो यार, दुबई में धूप बहुत ज्यादा है, मतलब दिल्ली की धूप कुछ नहीं है। ओए होए ओए इतना चलता है। अरे मैप खोलना पड़ेगा। हाँ कर लो, यहाँ पर चलता है, चलो अंदर खोल लो। पर अब सीन क्या है भाइयों, जिस मॉल में हम जा रहे हैं वो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 1.1 किलोमीटर। तो अगर हम कैब मंगाएंगे तो बहुत देर लगेगी। ऊपर से भाई यहाँ पर कैब भी अच्छा खासा प्राइस ले लेती है, तो हम सोच रहे चल के जाएं। पर 1 किलोमीटर इस 100 डिग्री की धूप में जाना, चलो। तो ये है वो पूरा होटल जिसमें हम रुके हुए हैं, ये हिल्टन है पूरा प्रॉपर्टी, और सामने पुल देख रहे हो, यहाँ से जाके ऊपर हम रुके हुए हैं। रुकना हम यहाँ चाहते थे बट यहाँ पर फुल था तो हमने ऊपर फ्लोर ले लिया। तो यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया आता है। ये यहाँ की ये है दुबई मरीना मार्केट, सामने है वो देख रहे हो ना, वो बीच एरिया। तो ये दुबई में भाइयों ऐसे कहीं भी हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते, हमें लिफ्ट लेनी पड़ रही है ताकि हम एक रोड से दूसरे रोड की तरफ पुल क्रॉस करके आ सके। वो सामने जो रोड है उसके लिए। तो अभी हम वहाँ से आए हैं, ये ऊपर से लिफ्ट ली यहाँ से और यहाँ से नीचे। तो धूप में हम चल रहे हैं भाइयों। ये ब्रिज क्रॉस करके आएगा लेफ्ट में मॉल, और यहाँ पर देख सकते हो ब्रिज के साइड में बढ़िया पानी वानी भरा हुआ है। किसी को यॉट चाहिए तो वो आप ले सकते हो यहाँ पर। ये देखो ये खड़ी डिग्गी, ये यॉट खड़ी है, तो किसी को घूमने जाना हो तो यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है। ये देखो बाकी माहौल देखो, पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग है भाई हर साइड। यहाँ पर जब आप रोड क्रॉस करोगे, जैसे यहाँ पर है ये वाइट पट्टिया, तो बाइक वाला हो या कार वाला वो पहले ही रोक लेगा, मतलब आप पहले जाओ उसके बाद वो आएंगे। पर पूरे दुनिया में सबसे बढ़िया जगह मेरे को लगता है इंडिया, और बेस्ट जगह जो है दिल्ली, एकदम बढ़िया। और 2 जगह जो बेस्ट है वो है नरेला और द्वारका, अपना घर अपना जिम। अब देखो इस बंदे ने कार रोक ली पहले ही, मतलब निकाल सकता था ये, पर ठीक है पहुंच गए भाई मॉल। ये रहा दुबई मरीना मॉल, यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। अप्रोक्सीमेट भाइयों 2 किलोमीटर हम चल के आए हैं इस मॉल में पहुंचने के लिए। वैसे तो ये हमारे होटल के पीछे था। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? तो यहाँ पर माहौल तो एक नंबर है, पर पसीने बहुत आ गए भाइयों, मतलब हाथ भी पूरे पसीने, आपको फेस पर भी दिख रहा होगा। पर ये बहुत तगड़ा एरिया है, देखो आज पूरे दुबई का टूर करा देगा तुम्हारा भाई। और आज बहुत तगड़ी चीज़ें होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा पूरे दिन का ब्लॉग बनाते हैं, अ डे इन लाइफ इन दुबई। तो पहुँच गए भाई मॉल में, ये है दुबई का मरीना मॉल जो यहीं बीच के पास है। तो देखते हैं अब यहाँ पर कि हम क्या शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल देखो गर्मी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो सनस्क्रीन भी सांस ले लो पहले तो। बहुत गर्मी थी। ओए ऊपर का देखो भाइयों, क्या बात है, मतलब चमक रहा है। और नीचे से वही तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने तो शॉपिंग कर ली थी अपने लिए, ये शॉपिंग होने वाली है सिस्टर के लिए और भाई के लिए, उनके लिए हम कुछ लेने आए हैं। तो देखते हैं कुछ अगर बढ़िया डिस्काउंट पर मिला तो यहाँ से ले लेंगे। तो हाँ, इसलिए कहते हैं कि दुबई में आपका सामान कहीं नहीं रह सकता ये बात सच हो गई है। तो भाई बहन के लिए एक शूज़ लिए है मैंने सुमित के लिए, और सिस्टर के लिए सोनिया ने एक सैंडल वो ली है। तो ठीक ठाक हमें डिस्काउंट मिला यहाँ पर, बट जिस मॉल में हम गए थे 2-3 दिन पहले वहाँ पर बहुत तगड़ा डिस्काउंट था, जहाँ से सोनिया ने अप्रोक्सीमेटली 3 जोड़ी जूते खरीदे, मतलब हील सैंडल कुछ भी खरीद समझ लो, और एक बैग खरीदा। तो बट हमें लेना था भाई बहन के लिए, दैट्स व्हाई अ गुड शॉपिंग। अब बारी है एक गुड कैपेचिनो की। तो यहाँ पर सामने एक रेस्टोरेंट है, ओपन कैफ़े नीरो, और उसके सामने स्टारबक्स है। पूरा कॉम्पिटिशन चल रहा है हमने सामने, जैसे जैसे अपने जिम के पास 10 जिम है, पर नंबर 1 जिम इन इंडिया ओनली आर के फिटनेस बाय रोहित खत्री। गूगल मैप्स पे जाके सर्च कर लो और आ जाओ तगड़े डिस्काउंट के लिए। मैं जैक लग रहा हूँ क्या भाइयों, कमेंट बता दो। फिलहाल एक कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ बढ़िया सी, सोनिया जा रही शॉपिंग करने। बस भाई मेरा टर्न हो गया शॉपिंग का, अब हम जा रहे हैं वापस से होटल पे। सोनिया ने भी कुछ थोड़ा सा लिया है, बाकी तो घर वालों के लिए चीज़ें ली है। एक कॉफ़ी पी ली, बढ़िया बॉडी पंप है। तो भाई जिस मॉल में चल के जाने के लिए हमें 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा था, ठीक है, अब आए हम कार में क्योंकि बैग वैग चीज़ें हो गई थी और गर्मी भी बहुत है, पसीने आ गए थे पूरी बॉडी में। अब कार में हमें वही चीज़ 5 किलोमीटर पड़ी है, तो डिफरेंस बहुत लंबा है, घुमा के लाने पड़ता है एक रेड लाइट क्रॉस करने के लिए। तो दुबई की गर्मी झेलने के बाद हम पहुंच गए वापस से अपने होटल, और अभी रूम में जस्ट थोड़ा सा बैठेंगे और फिर निकलेंगे। तो भाइयों अब है हम यहाँ पर बीच पर, फोटो शूट कराया थोड़ा सा, एकदम माहौल बना हुआ है सेट, मतलब आप देखोगे ना चारों तरफ का व्यू, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैं पूल में गया था, पर पूल में ना वहाँ पर वो ये मज़ा नहीं है नेचुरल वाला। दिखाता हूँ आपको नेचुरल थोड़ा व्यू, उठा के जा रहा हूँ, पकड़ो इसकी, ये लो भाई टी शर्ट होगी गंदी, टी शर्ट को रख के आता हूँ इतने। आप पीछे का व्यू देखो, वो तेरी मिट्टी घुस गई। सारे यहाँ पर तुम्हारे भाई को देख रहे हैं। भाई ये होता है जब आप बॉडी बनाओगे ना, आपको फील होगा कि आप कहीं भी चले जाओ सारे देखेंगे आपको सब, ये और मोटिवेट करता है बॉडी बनाने को। जैसे देखो व्हाट्सअप ब्रदर, कोई भी हो बच्चा यार, सबको चाहिए यार थोड़ी मसल वसल हो बॉडी में, सब बॉडी सबको चाहिए पर होती नहीं किसी की। आसान होता है बोलना। तो ये देखो भाई यहाँ का व्यू, ठीक है, इवन चेयर भी है यहाँ, सब है यहाँ पर। ये प्राइवेट बीच है इस होटल का, ठीक है, वो वहाँ पर है पब्लिक बीच। जब आप वहाँ चले जाओगे, पर आप लोगों को एक जुगाड़ बता देता हूँ, अगर आप प्राइवेट बीच पर भी आना चाहते हो ना, पब्लिक पर जाओ और घूम कर यहाँ आ जाओ, कोई नहीं पूछता भाई हो। ये देखो भाई समुंदर से क्या पकड़ के लाया मैं, मिट्टी सारी जेबों में, क्या गरम गरम। तो अभी थोड़ी देर आए बीच पर, इसके बाद जाएंगे बड़ी बढ़िया किसी जगह, इंजॉय करेंगे वहाँ पर, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हम एक बार भी रात को ट्रेनिंग है डेली। हम यहाँ पर हवा चल रही होगी, बहुत तेज आ रही होगी आपको, बहुत तेज हवा चल रही है। तो डेली हम यहाँ पर आकर सिर्फ घूमते हैं, रात को सो जाते हैं, घूमते हैं, रात को सो जाते हैं। तो आज एक क्लब लास्ट दिन खुला है, मतलब इसके बाद बंद हो जाएगा, तो वहाँ जाने वाले हैं। हरा भी बोल रहा हूँ। हमारे पीछे एक डांस चल रहा है बहुत तगड़ा, जो कि मतलब पीछे की साइड चल रहा है। ये वहाँ पर जो पीछे देख रहे हो लाल वाल लोग पहन के बैठे हैं। मैं हो गया हूँ गिल्ला। अब जो कैमरे की कमांड है वो सोनिया संभाल चुकी है। और व्यू एक बार गोल घूम के दिया था, गोल घूमते ही मजा आ जाता है यहाँ पर, क्या बात है। अब यहाँ पर फूड ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे बढ़िया। और यहाँ का जो स्पेशल फूड है ना, वो है फ्रेंच फ्राइज, स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज, बेस्ट बेस्ट Best. मैं तो ये बोल रहा हूँ भाइयों, मेरे को लगा था कि मेरी बॉडी है ना, मतलब खराब हो जाएगी दुबई आते आते, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। पर देखो Still. Tell me you are gym rat without telling me you are gym rat. कमेंट में कि आप ये बताओ कि आप कहीं जाते हो, आप वो चीज करते हो जो एक जिम वाला इंसान ही कर सकता है। ऑटोमेटिकली वही पोज आता है जो हम जिम में करते हैं नॉर्मली। अब नॉर्मल वाली पोज आती ही नहीं है। तो भाई ये शाम हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ की जो सारी लाइट है वो जल जाएगी। हमने ऑर्डर किए हैं एक ऐसी चीज़ जो इंडिया में हमने बहुत ढूंढी है पर मिली नहीं अभी तक। दैट्स वाई यहाँ पर ये चीज़ मिल जाती है। हमने सिर्फ यही ऑर्डर करते हैं जब भी बीच पर आते हैं, वो है स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़। स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज समझ गए होगे आप कि शकरकंदी की फ्रेंच फ्राइज बनाई हुई है। नॉर्मल लोग आलू की बनाते हैं, और जो कि ठीक है, मतलब इतना कुछ है नहीं, पर हमने बहुत बार ढूंढा है इंडिया में, ये मिलती नहीं। स्टार्ट करनी चाहिए लोगों को, अगर कोई नहीं करेगा तो हम अपने रेस्टोरेंट में कर देंगे, जिम वाले, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक्चुअल में बहुत टेस्टी है, एक्चुअल में बहुत टेस्टी है ये। तो जब भी किसी बीच फ्रंट होटल पे आते हैं जैसे ये है, और इसके बाद भी हम कहीं पर जा रहे हैं, तो आप हमेशा देखोगे हम स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। और ये झूले की लाइट भी जल चुकी है भाइयों के लिए, आपको दिख रही है अभी, धीरे धीरे दिखेगी, हल्की सी रात होने दो और यहाँ पर आपको लाइट ही दिखने लगेगी। अभी हम जाएंगे ना तो यहाँ का व्यू देखना डिफरेंट चेंज हो जाएगा, अभी देख लो ठीक है, और जाते हुए दिखाएंगे आपको। तो ये है भाइयों 1 घंटे बाद का माहौल। मैंने क्या बोला था कि थोड़ी सी रात होने दो और आपको सारा यहाँ का माहौल चेंज मिलेगा। क्या बात है भाइयों, पीछे का माहौल, क्या बात है भाइयों, साइड का माहौल, क्या बात है भाइयों, इस साइड का माहौल, क्या बात है। ये झूले चलाते नहीं क्या, ये झूले पे झुलाना चाहिए भाई लोगों को, इंडिया में झुला दे सबको। तो टाइम हो चुका है रात के 11:30 और हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए क्लब में। अब भाइयों हमें यहाँ पर हो गए है अप्रोक्सीमेटली कितने दिन हो गए वो यहाँ पर, पांचवा दिन है 9 तारीख को आए थे ना, हाँ। तो 5वां दिन है, 5 दिन में भाइयों एक बार भी हम रात को कहीं नहीं गए। तो तानी भाइयों, बाकी जाके पता चलेगा। सुना तो बहुत है कि वो क्लब बहुत बढ़िया है, अब सुनने की बात अलग होती है और प्रैक्टिकल बात अलग होती है। बाकी आफ्टर क्लबिंग बताएंगे और दिखाएंगे आपको भाई, सारे देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप लोग भी देखोगे। बाकी बताओ लग कैसे रहे? अरे शोल्डर तो दिखा, ये पहन के जाओगे, लिए देखो शोल्डर दिखा लो पहले। ये देखो सोनिया इतने लंबे हील्स पहन लेती है, बूट्स की हाइट कितनी होगी देखना, खड़े होना सीधे, वो इतने तो लंबे भी नहीं हो वो तो। चल रहा है भाई अभी, अब पूरा देख लो कैसे लग रहा है, बस चलो। We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me, yeah. We got everything we need, right here. एंजॉय किया वो? दुबई में ये पहली जगह है जिन्होंने हमें पानी दिया है यहाँ पे फ्री में। यहाँ पे कोई पानी नहीं पूछता। चलो भाइयों, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में भाइयों। टिल देन, नोट पीस किड्स।